अस्सलाम वालेकुम। एक और बार एक और नए व्लॉग में शामिल कहते हैं। इस व्लॉग में ना एक नया दोस्त भी आपसे मुतारफ कराना है। पुराना लेकिन मुलाकात काफी दिनों बाद हो रही है। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्होंने कहा कि यार व्लॉग अच्छे बनाते हैं, फोन पकड़ते कैसे हो। मैं कहा चलो आपको व्लॉग बना के दिखाते हैं पकड़ते कैसे हैं। ये दोस्त जब हाशिम भाई मेरे दोस्त बने थे ना, तो उस वक्त इन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। इन दोनों की ये मुझे घास नहीं डालते थे, सच बात बता रहा हूँ। नहीं सही बात है ना, मुझे घास ही नहीं डालते थे। मैं शरीफ सा बच्चा होता था ना, तो इसलिए फोटोग्राफर हुआ करता था। तो अब व्लॉग शूट करते हैं, देखते हैं कि बाहर जा रहे हैं कि क्या खाते पीने, फिर वहां पर मुलाकात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त स्ट्रीट फूड रावलपिंडी में। सुहेल भाई आप कहाँ भागे जा रहे हो? आज हमारे बकरे हैं, इन्होंने हमें खिलाना है। और इंशाल्लाह हाँ, मुझे शिकायत भी है आशिम भाई की कि आपने अपना सरगोधा का व्लॉग बहुत अच्छा एडिट किया, तो ये वाले व्लॉग हम ही सर से उतारते हैं। मालटे की सब शिकायत करें, लेकिन इंशाल्लाह आज का व्लॉग मैं कोशिश करूँगा आशिम भाई आपको अच्छा लगेगा। सनमेटिक शॉर्ट्स डालूंगा मैं इंशाल्लाह। ये है हमारे भाई, खैबर शिनवारी पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। प्रमोशन हमने ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर देना सबसे मुश्किल काम था क्योंकि हर कोई अपने एक दूसरे पे डाल रहा था कि ऑर्डर तुम दो, ऑर्डर तुम दो। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर मैंने दिया, इन दोनों ने नहीं दिया। और अब आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट्स। हमने ऑर्डर वैसे क्या किया, एक सब्जी किया और चिकन टिक्का। और अब आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट्स। अगर मुँह में पानी आ जाए मुझे नहीं कहना। सजीब आ गई हमारी और ये चिकन भी आ गए हैं, और अब हम इसको नौश फरमाएंगे। आज इसे भी रिव्यू लेंगे, आज हम इससे भी रिव्यू लेंगे। चले एपिसोड होगी हमारी ईट एंड चैट, चैट तो नहीं होगी लेकिन ईट होगी वाली, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। खाना खा चुके हैं हम, और वैसे अब बिल की बारी है। आज सोहेल भाई जाने और वो जाने। लेकिन खाना मज़े का था। सोहेल भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के हालात में बरकत डाले। आपको कैसा लगा आशिम भाई खाना? जबरदस्त। सुहेल भाई इनको तो अच्छा लगेगा ही, बहुत मजा आया। मजा आया जिसके पैसे लगते हैं ना मजा ही आता। लेकिन उन्होंने आज हमें एक एडवाइस दी है जो मुझे खुद पर्सनली अच्छी लगी, आशिम भाई को भी अच्छी लगी है। इन्होंने दी है तो इनको अच्छी लगेगी कि अपनी चीज़ें यहाँ से लेके जाओ, किसी जगह जा कर खुद बनाओ। मतलब कि अगर 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 हम बाहर अगर एक चीज़ खाते हैं तो वो अपनी चीज़ें जो है ना कम से कम 3 से 4 दफ़ा हमारे पास कंटेंट बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम वही ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, हजम हो रहा है, डिकार आ रहे हैं, चाय शाय पीते हैं। अभी हम फूड स्ट्रीट से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं सबज चाय पीने क्वेटा की चांदनी चौक। तो आगे भी सीन्स दिखाते हैं यार। हमने तो वैसे जाना था दुबई प्लाजा है ना, सिक्स रोड कश्मीरी चाय पीने, लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया कि चाय मज़े की होगी। हमें साथ जो है अंगीठी भी मिली है, हाथ सेक रहे हैं सुहेल भाई आशिम भाई। मैंने इसे स्पेशल पूछा है ड्राई फ्रूट डलेंगे और मलाई होगी, कहता भाई कश्मीरी चाय होती है ऐसी, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, पैसे वापस। हाँ पैसे वापस, तो अगर वो चीज़ें मज़ा ना आया चाय का मैं तो पैसे नहीं देने लगा। तो चाय आती है तो उसके भी चीज़ दिखाते हैं। यार सच में यार देख के तो मज़ा आ गया यार, कब बहुत बड़ा है ना, कब बहुत बड़ा नहीं छोटा है, कब उसका बड़ा था इसीलिए कह रहा हूँ। आपको ना इसका माइक्रो शॉट दिखाते हैं। ओए होए 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 चस आ गई, चस पीते हैं आपके सामने, सिप लेते हैं।
यू गो ए यू गो हाशिम साहब वॉक किए मजे किया अली पास सेम हो गए हैं सेम हो गए लास्ट टाइम नहीं आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। चाय भी पी जितनी मेरी मतलब कि मैं उम्मीद कर रहा था कि अच्छी नहीं होगी उससे ज़्यादा अच्छी निकली है चाय। और आज का सारा मतलब कि आज की गैदरिंग इकट्ठे होना मतलब कि हम दो में से ना मतलब कि ये हम मैं और ये होते थे पहले, लेकिन अब जो है ना तीसरा क्राइम पार्टनर भी आ गया तो अब देखते हैं। लेकिन यह है कि हम ज़्यादातर दो ही नज़र आएंगे, क्यों? क्योंकि भाई भाई का हमारे पास एक और तीन बंदे बिठाना बहुत मुश्किल है, क्यों शादी यही बात है ना। और सुहेल भाई कह रहे हैं गाड़ी लाओ, और गाड़ी में हम जाते नहीं गए। हमने सुहेल भाई को कहा आप अपने लिए गाड़ी बाइक करो, हमने नहीं जाना, आप बाइक लेके आओ, हम आपके साथ जहाँ कहेंगे जाएंगे। ठीक है, डन हो गया। सामान क्यों गाड़ी में रखेंगे, हम बाइक में चल जाएंगे। तो चाय अच्छी थी, आज का दिन भी अच्छा था। एक दोस्त काफ़ी अरसे बाद हम दोबारा तीन दोस्त हुए, ठीक है, बने सब इकट्ठे थे, लेकिन बीच में उतराव चढ़ाव क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अच्छा था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ मैंने सुहेल भाई को ये बताने के लिए बनाया कि कैमरा कैसे पकड़ते हैं, ऐसे अब देखो, अब मैं अपनी करनी है ना फिल्मिंग, तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, मैंने ट्राई किया ना ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्राई किया, मैं बड़ा अच्छा आ रहा है, जब ऐसे किया मेरा भुता ही टेढ़ा हो गया। ये देख रहे हो ऐसे किया ना, अब ये देखो ये अब आप पे आ गया, जब ऐसे करता हूं ना फिर ऐसे, ठीक है, अब मैं हूं बिल्कुल सीधा। ये शायद हाल ही आईफोन का ही कमाल हो, शायद हो सकता है आपके हाथों का। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये ब्लॉग अच्छा बनाऊं। अल्लाह हाफिज़।